अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमने सोचा है कि हम मंगला की तरफ जाएंगे और आपको रास्ते के व्यूज़ भी चेक कराएंगे और स्पिल वे की तरफ जाना है हमें। तो उधर का स्पिल वे खोला हो, जो पानी डैम का बहुत तेज़ ज़्यादा हुआ और डैम भरा हुआ था, वो भी आपको चेक कराते हैं वहाँ पर जाके मंगला के पास। और कितना सा जो है वो कितने फीट तक पानी ऊपर पानी का लेवल आ गया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ पे जो भी सीन होंगे वो आपको बताएंगे, साथ साथ आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे और रास्ते के व्यूज भी चेक कराएंगे। तो फिर चलते हैं हम मंगला की तरफ। अभी हम खड़े हैं इस टाइम पे, ये पीछे हमारे नज़र आ रहा है अलसेगा हॉस्पिटल। अलसेगा हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, पास खड़े हैं, और इस तरफ आपको नज़र आ रहा होगा वाई क्रॉस, जो मेरे से बाहर रास्ता निकलता है, ये इस जगह पे बाइक क्रॉस है। यहाँ से एक मिरपुर की तरफ रास्ता जाता है शहर की तरफ और ये बाईपास जाता है मिरपुर को एक और F2 वाली रोड पे। अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये देखें जी, ये अभी हम जो है आसा बुटा पार्क के पास से गुजर रहे हैं और सूरज देखें अभी जो है वो ऊपर ही है। तो हो सकता है जब तक हम आगे पहुँचेंगे तो शाम हो जाए, तो आपके साथ हम शाम के मनाजर जो है शेयर करेंगे। ये रोड के सीन्स चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है। पिछली वाली जो रोड थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो ख़राब थी, तो इसलिए हम ये मंगला कॉलोनी वाली साइड पे जा रहे हैं। ये अब हम जो नेक्स्ट पुल है वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे, अगर तो हम चेशियाँ की तरफ चले जाएंगे लड़ी वाली साइड से, और इसी को ही हम ये देखें ये राइट साइड पर जाएँगे तो यहाँ से हम मंगला की तरफ जो है वो पहुँच जाएंगे। तो इस वक्त सूरज जो है वो दोस्तों के पीछे हो गया और शाम का मंजर जो है वो बहुत सुंदर हो गया। अभी ये हम मंगला कॉलोनी के पास से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो इनका स्ट्रीट फूड बड़ा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है उसका भी रिव्यू करेंगे, उसका टेस्ट और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और प्राइसिस के हिसाब से किस तरह से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हम मंगला कॉलोनी का जो बाज़ार है वहाँ से भी गुजरे और ये सामने जा रही है और इस वक्त मौसम ज़रा बड़ा जबरदस्त आया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, फिर आगे के रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो व्यूअर्स, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं मंगला। ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो पानी है ना मंगला डैम का पानी उस तरफ से आता है, ठीक है, और यहाँ से नहर को दिया जाता है पानी, ठीक है। हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जगह है, फिर आपको दिखाते हैं। अभी बेगम साहिबा चलेंगी आगे की तरफ, फिर आपको दिखाएँगे। और ये जगह पता है किस जगह पे आती है, ये मंगला बोर्ड चौक है, यहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इस वजह से इसको बोर्ड चौक कहते हैं मंगला में। और वो रोड जो है वो मिरपुर की तरफ जाती है, और इस तरफ जो रोड आ रही है ये इस तरफ हमारे, ये मिरपुर से बाहर की तरफ से आ रही है। जो मंगला ब्रिज है ना मिलिट्री का, वो ब्रिज क्रॉस करके हम जब मिरपुर की तरफ मुड़ते हैं तो ये रोड मिरपुर को जाती है और ये रोड मंगला कॉलोनी की तरफ जाती है। और मंगला कॉलोनी की इस जगह पे ये मकाम है, ये ऊपर ब्रिज बना हुआ है, नीचे बहुत खूबसूरत जगह है देखने वाली।
अभी आपको दिखाते हैं, ये बेगम साहब आगे आगे चल के जा रही हैं। ये देखें सीढ़ियाँ यहाँ पे, बहुत प्यारी जगह है, यहाँ से पानी गुजरता होता है और नीचे गेट भी हैं। अगर पानी का फ्लो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे गेट लगे हुए थे। यहाँ पे ज़्यादातर ख्याल नहीं रखा जाता सफाई का, लेकिन जगह ये बहुत प्यारी है फोटोज़ शूट करने के लिए। बहुत सारे फ़ोटो शूट वाले बंदे यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ पे 12 दरियाँ सी बनी हुई हैं और बहुत पुरानी जगह ये देखें जी, नीचे से पानी जा रहा है, अंदर से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं। लेकिन अभी ये देखें, ये वाला इधर बैगन साहब इधर खड़ी हैं। बैगन साहब इधर दरमियान में खड़े हो ना, आपको व्यू आपको भी व्यू के दरमियान में दिखाएं। ये देखें जी, अगर फोटो बनाई जाए यहाँ पे शूट के लिए और कितनी प्यारी आए वो। अभी दिखाते हैं आपको अंदर की तरफ जाके गेट वगैरह। बैगन साहब आगे हो ना, आप तो हमारे रहनुमा है ना, रास्ता आपने दिखाना है हमें। इधर का व्यू, इधर बहुत प्यारा व्यू है नीचे की तरफ। यहाँ पे अक्सर लोग मछलियाँ पकड़ने भी आए होते हैं, यहाँ से कुंडियाँ वगैरह नीचे डाल के ना तो मछलियाँ पकड़ते हैं। ये देखें, ये सारा नहर की तरफ जाता है पानी। यहाँ से ये सारा इधर से पानी ऊपर जाता है। अभी बर्फ लगी हुई है दरमियान, लेकिन इधर पानी, यह हम अंदर आ गए हैं और इधर पानी की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, बहुत तेज आ रही है, यहाँ बहुत शोर है। और ये जगह भी काफ़ी ठंडी ठंडी सी होती है गर्मियों में, जो है ना अक्सर यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी हवा चल रही होती है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे मौसम को इंजॉय करने के लिए जाते हैं। अभी थोड़ा सा चूँकि सावन का महीना है तो इस वजह से थोड़ी हब सी है, बाकी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। अब आप पानी देखें नीचे किस तरह से पानी जो है वो निकल रहा है, जो दरवाजे हैं उनके नीचे से नीचे गेट लगे हुए हैं जहाँ से पानी गुजरता है। जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये नीचे गेट जो लगे हुए ना, इन गेट्स को खोलने के लिए जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा ना डैम में, तो यहाँ पे नहर में पानी छोड़ा जाएगा। और इन गेट को खोलने के लिए ये देखिए, ये आरसी आ रही है एक, और ये चैन के साथ लगी हुई है साथ। ये देखें इधर एक चैन भी लगा हुआ है और ये ऊपर की तरफ ये वजन लगाया हुआ है गेट को खोलने के लिए। ये वजन नीचे आता है और गेट खोल जाता है। और ये देखें, ये लोगों को उल्टा काम इस तरह नहीं करना चाहिए। ये बहुत, अगर आपकी कोई देखने वाली जगह है तो आप इस तरह गन डाल के उसको ख़राब करते हैं। अभी हम एक दो फोटो खींचेंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ। जी तो भैया, अभी हम मंगला ब्रिज के पास पहुंच गए हैं। ये मंगला ब्रिज का चौकी है, यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है। और हम खड़े हैं अभी आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे। ये ऊपर हमारा मंगला किला है, यहाँ पे किला नज़र आ रहा है। अभी मैं जाते हुए पता करूँगा, अगर मंगला किला की तरफ किले की तरफ जाने दे रहे हैं तो उसका भी एक व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा। अभी चलते हैं, हमने ब्रिज क्रॉस करना है यहाँ पे पंजाब वाली साइड पे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखें जी, ये अभी हम मंगलापुर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जैसे ही क्रॉस करेंगे पुल तो हम झेलम जो है वो पंजाब पे इंटर हो जाएंगे। और ये देखें दरिया, ये दरिया झेलम आपको नजर आ रहा है, ये सारा दरिया झेलम है। जीरो व्यूअर्स, अभी हमने यहाँ से मिरपुर से ये पंजाब वाले एरिया में क्रॉस कर लिया। और ये इसको कहते हैं जी बरूटी पंप, बरूटी जगह का नाम है। हमने जाना है मंगलावी रिजॉर्ट की तरफ। ये मंगलावी रिजॉर्ट जाती है रोड, और इस तरफ ये पंजाब जाती है रोड। ये लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद जो भी है ये पंजाब के एरिया में जाती है रोड। अभी चलते हैं आगे की तरफ और वो दिखाते हैं आपको अगले व्यू।
जी तो व्यूअर्स, इस टाइम पहुंच चुके हैं हम मंगला व्यू रिजॉर्ट से, थोड़ा करीब ही हैं लेडी वाले एरिया, 4 किलोमीटर पीछे हैं हम। और अभी हमें हमने कोशिश तो की है कि हमें स्पिलवे की तरफ जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ के गार्ड कह रहे हैं कि वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। और इस टाइम हम पहुँच चुके हैं स्पिलवे के पीछे, एक जगह बची हुई है पानी जहाँ पे रुका होता है मंगला का, ये लेडी वाली तरफ पानी निकालते हैं इस तरफ, इस जगह से ये लेडी वाली तरफ पानी निकलता है। और ये ऊपर लोगो लगा हुआ है, मेरे ख्याल से मंगला व्यू रिजॉर्ट वालों ने लगाया हुआ है, कोई लोगो लगा हुआ है MGH पाकिस्तान। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी चलते हैं आगे की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं। अभी जी ये और ये बेगम साहिबा, और इधर का व्यू चेक करें, ये ऊपर इधर मेरे ख्याल से रडार लगा हुआ है ये ऊपर, और इधर का व्यू चेक करें सारा, जैसे सारा डैम नजर आ रहा है। ये देखें जी, बेगम साहब डर रही है कि मोबाइल पीछे कर ले, पानी भी ना गिर जाए। डर तो लगता है ना, पहले मैं दो तोड़ चुकी हूँ, अब एक डूब जाए तो फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पीछे कर लें, पहले दो मैंने तोड़े हैं मोबाइल और अब एक डूब जाए तो ये भी तो ठीक बात नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी बरकरार रखनी चाहिए ऐसी जगहों पे जाके। तो यहाँ पे माशाल्लाह से व्यू बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, दोनों तरफ पहाड़ हैं और उनके दरमियान में पानी और पीछे मीरपुर हमें पूरा नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको तो नहीं नज़र आ रहा होगा कैमरे की आँख से, लेकिन हमें जो है वो पीछे पीसी जो है वो भी नज़र आ रहा है, कोशिश करते हैं आपको दिखाने एक की। एक दफा हमने वीडियो बनाई थी पीसी के पास से, ये मेरे को नजर आ रहा है, ये जरा ये देखें जी, नहीं इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ पीसी को, लेकिन नहीं हो रहा ना, बहुत दूर है ना, ये इस जगह पे आपको पीसी नजर आ रहा है, ये सामने सारा मेरे को नजर आ रहा है, ऊपर उस तरफ मेरे पर है। हम एक बार सुखियां गए थे वहाँ से डैम के बंद पे, आपको वीडियो दिखाई थी अशोक द्वार के पीछे से, तो यहाँ का एरिया नज़र आ रहा था, आज हम इस तरफ आए हैं डैम की दूसरी तरफ। जो हम देख रहे हैं ना वो आपको शायद कैमरे की आंख से नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको दिखाया जाए ये सारे व्यूज़। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम भी बना हुआ है इस टाइम। ये देखें जी कितने मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, और आपको हमारी अप्रिसिएशन करनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए। मैं नीचे जा रहा हूँ लेवल, डैम का लेवल का वीडियो, तो आपको फिर हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए, ये तो हमारा हक बनता है। फिर कितना गंदा रास्ता है, यहाँ से गुजरना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ है जी डैम का लेवल कि डैम कितना, पानी का लेवल इस टाइम कितना है। ये देखें इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ नीचे की तरफ पानी के पास, और इधर है बेगम साहबा खड़ी ऊपर, जकिया ऊपर खड़ी है, और मैं नीचे लेवल पानी के लेवल के पास पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे लिखा होता है पानी का लेवल, बहुत सारी शॉर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे बने होते हैं पानी के लेवल के बारे में। ये है जी 1242 लिखा हुआ है नीचे, और ये पानी का लेवल है, हद लेवल जो है, अगर 1243 पे जाएगा तो ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा वहाँ से, ये जो जगह आपको बताई है यहाँ से ओवरफ्लो करना शुरू कर देता पानी। अभी आपको थोड़ी सारी फिशेज भी दिखाते हैं छोटी छोटी, यहाँ से पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं,
छोटी छोटी फिशेज आ रही हैं, ये देखें, ये देखें फिशेज आ रही हैं, छोटी छोटी बिल्कुल नजर आ रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी फिशेज नजर आ रही हैं। और इस टाइम हम यहाँ पे खड़े हैं, ये देखें, ये ऊपर बेगम खड़ी हैं और मैं नीचे खड़ा हूँ। अभी चलते हैं इनके ऊपर की तरफ। इस रास्ते से मैं गुजर गया हूँ, यहाँ से ऊपर जाके इस रास्ते से मैं गुजर गया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अभी ये वापस आ रही हैं बेगम साहब, सांस चढ़ गया नीचे से ऊपर आते हुए। आपकी वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा एक शॉट आपका भी होना चाहिए। मैं आपकी बना रही थी, मैंने कहा देखो कि नीचे जो है हमने वो सॉरी कंटेंट की तलाश में लेवल की वीडियो बना के लाया ना, मतलब अच्छा, अच्छा। मंगला डैम के पानी की लेवल जो होता है ना, सही है, उसकी वीडियो बना के चलें। फिर चलें, चलते हैं अब वापस। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, ये हो गया आज का टूर हमारा। अब हमने सोचा है कि घर की तरफ चलें और कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट व्यूज़ जो हैं वो हम आप तक शेयर कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। जैसे आपके सामने अभी शाहजी नीचे भी गए हुए थे आपको पानी का लेवल जो है वो चेक करवाने के लिए। तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें जो है वो काफ़ी मोटिवेशन होती है हमारी और हम मज़ीद कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हों। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों कामयाबियाँ दे और अपनी हिफाजत में रखे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।